अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ओटिक गैंग्लियन के बारे में आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बताना चाहती हूँ और डायग्राम से थोड़ा सा समझाना चाहती हूँ। ये भी एक पेरिफेरल पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन है, वन ऑफ द फोर गैंग्लिया विच आर प्रेजेंट इन द हेड एंड नेक रीजन। वेरी स्मॉल इन साइज, जस्ट 3 to 4 millimeter इन साइज। अब एक वर्ड पढ़ोगे, टोपोग्राफिकली मीन्स एनाटॉमिकली और स्ट्रक्चरली इट इज़ रिलेटेड टू मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, उसके साथ अटैच होता है। लेकिन फंक्शनली इट इज़ रिलेटेड टू ग्लॉसोफ्रिंजियल नर्व, यानी जो इसके पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स हैं या पैरासिम्पैथेटिक रूट है वो ग्लॉसोफ्रिंजियल नर्व के थ्रू आती है। ठीक है, लोकेशन कहाँ है? इन द इंफ्रा टेम्पोरल फोसा, जस्ट बिलो फोरमेन ओवेल। जब भी आप कोई पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन पढ़ोगे तो याद रखो कि उसमें 3 रूट्स उससे पास होती हैं, पैरासिम्पैथेटिक, सेंसरी एंड सिंपैथेटिक। और फिर जो ब्रांचेज अराइज होती हैं उसमें ये तीनों टाइप के फाइबर्स होते हैं जो गैंग्लियन से ब्रांचेज आते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, जिसका घर होगा सिर्फ वही रिले करेगा, इसलिए क्योंकि ये पैरासिम्पैथेटिक टाइप का गैंग्लियन है तो सिर्फ पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स यहाँ रिले करेंगे और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स अराइज होंगे। सेंसरी और सिंपैथेटिक रूट पास एज सच। ओके जी, हम सारी ब्रांचेस को वन बाय वन फॉलो करेंगे ड्रॉ करके। सबसे पहले पैरासिम्पैथेटिक रूट। अब यहाँ पर एक पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, पॉन्स एंड मेडुला जंक्शन पे इंफीरियर सेलिबेटरी न्यूक्लियस। ठीक है, यहाँ से फाइबर्स अराइज होते हैं पैरासिम्पैथेटिक सिक्रीटरोमोटर फाइबर्स। अब इन्होंने इमर्ज होना है थ्रू ब्रेन स्टेम, तो इनको उस लेवल पे एक नर्व नज़र आती है 9th या ग्लॉसोफ्रिंजियल नर्व, जो हम बाद में पढ़ेंगे, ये उसको ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ग्लॉसोफ्रिंजियल नर्व एक टिम्पैनिक ब्रांच देती है, ये टिम्पैनिक ब्रांच को ज्वाइन कर लेते हैं। अब ये पैरासिम्पैथेटिक सिक्रीटरोमोटर फाइबर्स हैं और उनके साथ साथ चले जाते हैं, बट दे एंटर इन द मिडल ईयर कैविटी। ऑन द मीडियल वॉल ऑफ मिडल ईयर टिम्पैनिक ब्रांच विद अदर ब्रांचेस फॉर्म टिम्पैनिक प्लेक्सेस इन द ईयर। बट जो पैरासिम्पैथेटिक सिक्रीटरो मोटर फाइबर्स हैं उन्होंने तो पेरोटिड ग्लैंड को जाना था और ये पहुंच गए हैं टिम्पैनिक प्लेक्सेस में, सो दे लीव दिस एंड नाउ दे विल कॉन्टिन्यू एज अ न्यू ब्रांच that is called lesser petrosal nerve। इससे पहले हम greater petrosal and deep petrosal पढ़ चुके। lesser petrosal nerve emerge हुई in the petrous part of temporal bone। अब ये बाहर कहाँ से निकले? हमने पढ़ा था एक hiatus and groove on the interior sloping surface of petrous temporal bone, it runs there, leaves through foramen ovale एंड अल्टीमेटली इट रीचेज द ओटिक गैंग्लियन, जो कि मैंडिबुलर नर्व के मीडियल है। दीज फाइबर्स रिले हेयर, क्योंकि ये पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स हैं, दे रिले हेयर। यहाँ से फिर पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स अराइज होंगे विच ज्वाइन द ऑरिक्यूलो टेम्पोरल नर्व थ्रू अ कम्युनिकेटिंग ब्रांच एंड देन अलॉन्ग ऑरिक्यूलो टेम्पोरल नर्व दे रीच द पेरोटिड ग्लैंड। दिस इज हाउ पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स रीच द पेरोटिड ग्लैंड। अब आपको प्रॉपर वे में पाथवे बता देती हूँ। इंफीरियर सेलिवेटरी न्यूक्लियस, देन ग्लॉसोफ्रिंजियल नर्व, ज्वाइन इट्स टिम्पैनिक ब्रांच, रीच टू टिम्पैनिक कैविटी, मिडल ईयर कैविटी को टिम्पैनिक कैविटी भी कहते हैं, फिर टिम्पैनिक प्लेक्सिस, branch arises as lesser petrosal nerve, leaves through foramen ovale and ultimately reach otic ganglion, here the fibers synapse, post ganglionic fibers arise which join the auriculotemporal nerve through communicating branch and then pass through it and reach the parasympathetic reach the parotid gland। iske baad aa jati hai sympathetic root। सिंपैथेटिक रूट, आपको पता है सिंपैथेटिक चेन प्रेजेंट होती है ऑन ईच साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। आगे जाके हम पढ़ेंगे वहाँ सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन है जो कि सिंपैथेटिक गैंग्लियन है।
अब यहाँ से जो फाइबर्स अराइज होते हैं ये पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं, ठीक है, वो क्या थे, प्री गैंग्लियोनिक थे, ये पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स अराइज एंड दे सराउंड द मिडल मेनिंजियल आर्टरी। यहाँ जब पहुँच जाते हैं अलॉन्ग वेसल्स, अल्टीमेटली दे सराउंड मिडल मेनिंजियल आर्टरी। अब मिडल मेनिंजियल आर्टरी किस तरह से है कि ऑरिक्यूलो टेम्पोरल नर्व टू रूट्स के थ्रू अटैच होती है विद द मैंडिबुलर नर्व, ठीक है। तो इन दो रूट्स के दरमियान ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है एमसीक्यू के हवाले से, मिडल मेनिंजियल आर्टरी पास करती है। अब मिडल मेनिंजियल आर्टरी को सराउंड किया हुआ है सिंपथेटिक फाइबर्स ने, यहाँ से सिंपथेटिक ब्रांच आई, बट चूंकि इसका घर नहीं है इट पासिस विदाउट रिले एंड ट्रेवल अलॉन्ग पैरासिंपथेटिक फाइबर्स एंड इट आल्सो रीचेज द पेरोटिड ग्लैंड। सो इस तरह से सिंपथेटिक रूट भी वहाँ पर पहुँच गई। एंड फाइनली जो सेंसरी रूट है वो जा रहा है ऑरिक्यूलो टेम्पोरल नर्व, इटसेल्फ सेंसरी ब्रांच है, तो सेंसरी जो रूट है वो आएगी थ्रू ऑरिक्यूलो टेम्पोरल नर्व, और इस तरह से तीनों टाइप के फाइबर्स पेरोटिड ग्लैंड तक पहुँच जाएंगे। अब कुछ बुक्स में लिखी हुई एक एडिशनल रूट डेट इज़ मोटर रूट, बट आई थिंक जितने भी पेरिफेरल गैंग्लियन हैं उनमें तीन ही ब्रांचेस लिखी हुई हैं रूट्स, पैरासिंपथेटिक, सिंपथेटिक एंड सेंसरी। मोटर रूट में आपको पता है गैंग्लियन नहीं होते। हाँ, ऐसा ज़रूर है कि ये जो बिल्कुल मेन ट्रंक था, अगर आपको याद हो मैंडिबुलर नर्व का, तो वहाँ से एक नर्व अराइज होती है नर्व टू मीडियल टीरिकॉइड, तो वो जब इमर्ज करती है तो इट हैज़ टू पास थ्रू द गैंग्लियन एंड देन सप्लाई द मसल्स। तो ये मोटर रूट है जिस जो कि कुछ बुक्स में उसके अंदर इंक्लूड कर दिया, आप इसको सेपरेटली यहाँ पर मेंशन करें। ओके, फाइनली एक दो पॉइंट्स बताना चाह रही हूँ कि वो जो ब्रांचेस पेरोटिड ग्लैंड को चली गई वो तो गई, प्लस एक कम्युनिकेटिंग ब्रांच कनेक्ट करती है ओटिक गैंग्लियन को कॉर्डा टेम्पनाए ब्रांच के साथ। आपको याद है कॉर्डा टेम्पनाए टेस्ट सेंसेशन कैरी करती है इंटीरियर टू थर्ड ऑफ टंग से, और फेशियल नर्व की ब्रांच है। दूसरी अनदर ब्रांच ज्वाइन ग्रेटर पेट्रोसल नर्व, फिर से फेशियल नर्व की ब्रांच है जिसमें पैरासिंपथेटिक फाइबर्स होते हैं। तो ये दो रूट्स के थ्रू, कनेक्शन के थ्रू, इट प्रोवाइड्स एन अल्टरनेट गेस्टेटरी पाथवे, यानी टेस्ट के फाइबर्स मे रीच जेनिक्यूलेट गैंग्लियन विदाउट ट्रेवर्सिंग द मिडल ईयर इस ग्रेटर पेट्रोसल नर्व के थ्रू वापस आके, ठीक है। ओके,